जय भीम साथियों, आज हमारे आंदोलन का 57वां दिन था। इस आंदोलन में एक मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत हम कॉलेज बाई कॉलेज, कैंपस बाई कैंपस जाकर तमाम मैसेज जातिगत भेदभाव इस कैंपस में हो रहे हैं और तमाम इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, जो कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु के साथ भी वही हुआ। आज हम डॉक्टर ऋतु के साथ विश्वविद्यालय पर हमने पर्चा कैंपेन किया और तमाम मैसेज स्टूडेंट्स और सिविल्स लोगों से बात की कि इस कैंपस में किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ हम स्टूडेंट्स तक ले गए। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे साथ प्रोफेसर ऋतु खुद स्टूडेंट्स के बीच में इस मुद्दे को लेकर गई, हम सब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर ऋतु के साथ आना चाहिए और इस मुहिम के तहत इस कैंपस में हो रहे तमाम अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साथियों, जिस तरीके से प्रोफेसर ऋतु को दौलतराम कॉलेज से निकाल दिया गया, बस सिर्फ और सिर्फ वो एक दलित थी और वीमेन थी, उनके जेंडर और कास्ट के नाम पर उनको कैंपस से निकाल देना, ये बताता है इस कैंपस का नारी विरोधी रवैया और जातिगत रवैया। साथियों, हमें इसके खिलाफ इन कैंपस में उतरना पड़ेगा। साथियों, हम सबको एक साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम और हमारे तमाम साथी डॉक्टर ऋतु के साथ विश्वविद्यालय पर लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि देखिए ये इस विश्वविद्यालय में हो रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ अपनी ये सारी चीज़ें